आज है जी 27 की रात और इस वक्त मैं जा रही हूँ तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में। और आज मैंने नया अबाया पहना है। कयामुलैल के लिए मैं एक और नया ड्रेस पहनूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह करने से। अभी मैंने चाय पी थी और आज चाय मेरी बहुत गंदी बनी हुई थी तो बस अभी चलते हैं तरावी के लिए। उसैद तैयार है? उसैद बेटे आ जाओ। उसैद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी अभी कर लेते हैं कुछ ईद की तैयारी। शॉपिंग वगैरह तो चल रही है, तो अभी मैं यहाँ पे अपने रूम को सेट करने लगी हूँ ईद के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं बिछाऊंगी न्यू बेडशीट। तो ये मैं पाकिस्तान से ही लेके आती रहती हूँ, कभी कभार इधर से भी ले लेती हूँ, लेकिन ये मैंने ली थी पाकिस्तान से और ये मैंने ईद के लिए रखी हुई थी। तो चलें जल्दी से बेडशीट चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसी लगती है ये। बच्चों की बेडशीट्स मैंने एक दिन पहले चेंज कर ली थी, तो अभी मैंने यहाँ पे अपना रूम भी सेट कर लिया है। और आजकल मैं कुकिंग ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि दिखा ही नहीं रही हूँ। रमज़ान के आखिरी दिनों में ऐसा होता है। तो चलें बस अभी चलते हैं मॉल, कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी, जो चीज़ें रह गई हैं मॉल से चल के वो बाय करते हैं। तो बस अभी रूम यहाँ पे सेट कर लिया हुआ है और चलते हैं जी अभी मॉल। और बच्चों के शूज़ मैंने लेने हैं। लाइट्स कर देते हैं ऑफ, लाइट्स ऑफ करें तो रूम ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। अभी हम लोग आए हुए हैं मॉल थोड़ा सा घूमने के लिए। बच्चों की कुछ शॉपिंग रहती थी, कुछ शूज़ वगैरह लेने थे तो वो लेने के लिए आई हूँ। बच्चे मेरे साथ हैं, इनको एंजॉय कराने के लिए लेके आई हूँ, और ताकि इनको पता चले कि ईद है, वरना घर में बैठी रहती हूँ ये लोग। ठीक है, ईद शॉपिंग करनी है। नीरव के, हूरब के शूज़ लेने हैं, उषना के भी लेने हैं। शूज़ रह गए थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी देखते हैं। उनके शूज़ चेक करती हूँ मैक्स से, फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाऊँगी मैक्स पे, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। अब आखिरी दिन चल रहे हैं, तो आखिरी दिन में बहुत कम ही चीज़ें मिलती हैं। आई थिंक ऑफ वाइट। उषना ने यहाँ पे ट्राई किया ये ब्लैक, लेकिन इसकी हील काफ़ी बड़ी है। किटन हील सही रहती है, लेकिन उसमें एक शूज़ पसंद आया है लेकिन साइज़ नहीं है। ये वाली हील फिर भी पहनी जा सकती है। ये दिखाओ, कंफर्टेबल थी? अच्छा, ये वाला ट्राई करके देखो। ये ब्राउन वाला चेक करो। मीरब का तो अब बच्चों में मिल ही नहीं रहा शूज़, अब इन बड़ों में चेक करें। 37 और 36 और 37 नंबर इसका हो गया। मीरब इतना बड़ा फीट हो गया आपका? No, I'm not a barefoot. क्या? Big foot. I'm not a big foot. तो इतना बड़ा साइज जो है 36 साइज जो पहन रही है, 37 No, कोई 38. इसको 36 टाइट 38 बना था? Because it doesn't fit. नहीं नहीं 37 था वो। No, it's not. मैक्स में तो किसी के भी शूज नहीं मिले हैं। एक शूज पसंद किया, हमने सोचा कि पहले ज़रा किसी और जगह पे देख लें, फिर उसके बाद अगर कहीं और से ना मिला तो फिर मैक्स वाला उठा लेंगे। तो अब आ चुके हैं हम लोग रेड टैग पे। रेड टैग को भी ज़रा देख लेते हैं। प्लेन नहीं है ये? ट्राई ब्लैक। अच्छा चलो ज़रा ट्राई करके देखो। हाउ ये वाला ट्राई करके देखें, इसकी हील भी कंफर्टेबल है। देखो पहन के देखो, ये शूज उषना प्यारे लग रहे हैं, ये बहुत प्यारे हैं। पहन के देखो, हाँ देखा ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं ये। मैं तो कहती हूँ ये ले लें। व्हाट डू यू से कि ये ब्लैक ड्रेस के साथ भी चल सकता है, ब्लैक एंड वाइट है, और आप अपनी पर्पल मैक्सी के साथ भी पहन सकती हैं, और सैंडी ब्राउन के साथ भी अच्छा लगेगा इसके अंदर। हाँ ये मतलब सारे ड्रेसेस के साथ आपका चल सकता है।
नहीं तो अगर एक और भी लेना है तो वो ब्राउन में ले सकती हैं या फिर ब्लैक. तो एक वाइट ले लो, एक ब्लैक ले लो. वो उधर फ्लैट में भी रखे हैं लेकिन उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है. एक एक वाइट वो चेक करो, ऑफ वाइट पीछे फ्लैट. हाँ ये फ्लैट कुछ दिख रहा है, ये कंफर्टेबल होगा. दिखाओ. अच्छा चलो वो दिखाओ. अभी मीरप का भी देखना है. हाँ ये बहुत कंफर्टेबल दिख रहा है, दिखाओ. ये भी अच्छे हैं वैसे. और अभी देखते हैं जरा इन छोटियों के शूज. यह बिल्कुल ही प्लेन है या इतने स्टोन्स के साथ हैं. राइट, ये बच्चों के बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. मेहंदी हम लोग वो लेडीज़ मार्केट से लेंगे, कल चलेंगे उधर. तो अभी यहाँ पे देखो कोई रिंग्स अगर चाहिए तो. मुझे मीरप का भी इसी कलर में चाहिए था लेकिन उसमें साइज नहीं है हुरप का. जैसे हुरप का है ना सारे, क्योंकि मीरप के सारे ड्रेसेस इस कलर में, लेकिन वो गोल्डन में साइज है, इसमें पर्पल में नहीं है. मीरप कम हियर. ये भी है, ये वाला देखिए. इस तरह के बच्चों को कम ही पहनाती हूँ लेकिन अभी दिल कर रहा है कि सोच रही हूँ कि ये वाले ले लूँ. मैं ज़्यादातर बच्चों के पम्प्स ही लेती हूँ. ये ट्राई करके देखो, कलर पर्पल अच्छा था उसमें नहीं है. हुरप दिखाओ शूज़. अभी हुरप के शूज़ डिसाइड नहीं हो रहे क्योंकि इसका कोई पर्पल ड्रेस है ही नहीं. पहनाना चाहूँ तो पहना भी सकती हूँ लेकिन इसके जो ड्रेसेस हैं, एक मरून है, वाइट है और एक जो है वो मिक्स उसमें कलर्स हैं. तो मैं कहती हूँ कोई ऐसा हो जो सबके साथ यूज़ हो सके. वैसे शूज़ ये वाला अच्छा लग रहा है लेकिन मैचिंग इतनी नहीं होगी इसकी. और मीरप का जो है ये गोल्डन सबके साथ यूज़ हो सकता है. मीरप का अगर मुझे ये पर्पल में मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर था लेकिन उसमें साइजेस नहीं है. मैं लेट हो गई हूँ ना, एक्चुअली ओपन में तो बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ा जो इस तरह का स्टाइल है इसमें साइजेस ख़त्म हो चुके हैं. ये वाले मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं पहनाती, मुझे नहीं अच्छे लगते ना अपने लिए ना बच्चों के लिए ये ओपन स्टाइल्स. और अभी मैं यहाँ पर सेहत के लिए जीन्स देख लूँगी. सेहत साथ नहीं आया, वो लोग गए हुए थे तरावी के लिए तो मैं ज़रा देख लेती हूँ. बच्चों के साथ शॉपिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इन्होंने थका दिया है आज. खुद भी थक जाती हैं और हमें भी थका देती हैं. ओके ले ली कॉफ़ी, चलो आओ चलते हैं. चले अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, बस जितनी बेसिक शॉपिंग करनी थी वो कर ली. नो गमीज, टीथ खराब हो जाते हैं. अच्छा जी अभी जो शॉपिंग करके आए हैं ना वो आप लोगों को दिखा देते हैं. ये उषा ने ये शूज लिए हैं और ये शूज़ उषा के हर ड्रेस के साथ मैच होने वाले हैं. जो भी उसके के ड्रेसेस हैं ना उसके साथ ये बड़े ज़बरदस्त लगेंगे. तो एक उसने ब्लैक में भी लेना था लेकिन ब्लैक जो है वो कंफर्टेबल नहीं था तो इसलिए हम लोगों ने फिर ब्लैक ड्रॉप कर दिया था. एक ब्लैक में हमें साइज़ नहीं मिला और दूसरा कंफर्टेबल नहीं था. ये वाला बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है ये. वैसे तो हील के साथ है लेकिन इसकी हील कंफर्टेबल है. रेड टैग के शूज़ बहुत अच्छे होते हैं. मैंने पहले उसका एक वाइट कलर में लिया था, उसको इतना अच्छा चलाया, अभी तक भी उसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब नहीं हुआ. तो ये है उषा का शूज़. हुरप का फिर मैंने ये सिल्वर में ले लिया था, पहले मैं वो पर्पल देख रही थी, उसका कोई पर्पल ड्रेस तो था नहीं इसलिए फिर मैंने उसका ये सिल्वर ले लिया. और मीरप का मैंने ये गोल्डन शूज़ लिया है, उसके फ्रॉक्स के साथ ये जो है अच्छा लगेगा. और इसके अलावा उसैद की मैंने जीन्स ली है. आप सब कह रहे थे कि आप भाई की और उसैद की शॉपिंग नहीं दिखाते हैं,
उसैद की कुछ शॉपिंग पहले हुई हुई थी, इरफान की भी हुई हुई थी और बाकी उनके जो कुर्ताज हैं वो अभी पाकिस्तान से नहीं आए, तो जब वो पाकिस्तान से आएंगे तो आप ईद पे उन्हें पहने हुए देख लेंगे। वो हम लोगों ने कुर्ते मंगवाए थे और बाकी कुछ शर्ट जो है वो इरफान ने ली हुई थी पहले से ही। तो ये हैं उनकी, ये तो ये एक इरफान की शर्ट है, इरफान ने ये शर्ट पोलो क्लब से ली थी, ये भी शर्ट उनकी पोलो क्लब की है। और उसैद को मैंने ये शर्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी तो उसने कहा मामा मैं ये ईद पे ही पहनूंगा क्योंकि उसने अभी नहीं पहनी। तो ये भी पोलो क्लब से है, एक उसने पहन ली थी एक नहीं पहनी थी, लेकिन अभी मैं उसकी कुछ कैरियर शर्ट्स भी लेके आई हूँ। ये उसकी जो है वो बेसिक शर्ट्स हैं, बाकी ये है कि दो तीन उसके कुर्ते आ जाएंगे तो ईद के पहले दिन वो कुर्ता पहन लेगा। खान भी ईद के पहले दिन कुर्ता पहनेंगे, नमाज के लिए जब जाएंगे तो वो कुर्ता पहन लेंगे और फिर बाद में ये शर्ट्स चेंज कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये है उनकी शॉपिंग। और इसके अलावा ये मैं कुछ टाइट्स लेके आई थी, बस ये आज जो है वो बेसिक सी शॉपिंग हुई है तो सोचा ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को। अच्छा जी, फाइनली पाकिस्तान से भी पार्सल आ गया है जिसमें इरफान के कपड़े थे। सिर्फ हम लोगों ने ये तीन कुर्ते मंगवाए हैं, दो कुर्ते इरफान के हैं, एक उसैद का है शलवार कमीज और साथ में एक मेरा ड्रेस है। तो ये पार्सल हमने पाकिस्तान से मंगवाया है और चार्जेस आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारा तकरीबन 2 kg के जितना ये पार्सल था और हमने पे किया है 17,000 और इसके अलावा 25 रियाल मज़ीद उन्होंने हमसे लिए थे जब वो हमें डिलीवर करने के लिए आए थे पैकेज। तो इस तरीके से तकरीबन ये 18,500 ऊपर लगा है। पाकिस्तान में 17,000 पे किया था 2 kg का, मज़ीद 25 रियाल यहाँ पर हम लोगों ने पे किया है, वो मतलब कोई टैक्स वगैरह बनता था। और ये हमें 2 दिन में मिला है, इतने पैसे लेके भी 2 दिन में डिलीवर नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। इरफान ने अपने और भी कुर्ते लिए थे लेकिन फिलहाल हमने ये 3 मंगवाए हैं क्योंकि 3 पे इतने ज़्यादा चार्जेस लग रहे थे। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।